हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लखनऊ के दिल हजरतगंज में और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चाय वाला है हलवासिया में, केवल चाय वाला। तो आज जा रहे हैं वहाँ की चाय टेस्ट करने और समोसे का मजा लेने। चलिए आप लोग मेरे संग चलते हैं। तो हम लोग अभी आए थे केवल की चाय पे, ये भी काफ़ी फेमस है हलवासिया में गंज के। और इनकी जो चाय है वो है 18 रुपए की, समोसा 18 रुपए का और बन मक्खन 30 रुपए का। लेकिन इनकी चाय की खास बात यह है कि अगर आप मांगेंगे तो चाय में मलाई डाल के देते हैं, जो कि मतलब चाय में जो टेस्ट है उसको दोगुना कर देती है। मेरा नाम संतोष कुमार राजपूत है और मैं इस शॉप का ओनर हूँ। ये शॉप हमारे फादर ने 1991 में शुरुआत किया था और तब से ये शॉप चल रही है। कस्टमरों को यहाँ पर चाय बहुत अच्छी लगती है, इसका कारण है हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जो चाय पत्ती इस्तेमाल होती है डायरेक्ट आसाम से मंगाई जाती है और क्वालिटी है, इसलिए कस्टमर है उनका प्यार है। जुबैर अहमद है, केवल की चाय हम पी रहे हैं। ये बहुत मशहूर है चाय, मैं उस वक्त से चाय पी रहा हूँ जब ये 50 पैसे की बिकती थी। 50 पैसे की एक चाय थी ये, और ये फुटपाथ पे लगाता था। आज ये अपनी दुकान की है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी चलती है, काफ़ी चाय चलती है इसकी, बहुत मशहूर है लखनऊ के अंदर। और साथ में इनका समोसा बहुत फेमस है, आपको इस एरिए में इतना बड़ा समोसा, इतना टेस्टी समोसा नहीं मिलेगा। मेरा नाम संजीव बघेला है, मैं करीब यहाँ 10 सालों से चाय पी रहा हूँ और रोज सुबह चाय पीने आता हूँ यहाँ पर। केवल चाय वाले, केवल चाय वाले, मतलब चाय में ऐसा क्या है जो आपको पसंद? चाय में एक अलग ही मजा है, यहाँ का नशा है एक तरीके। चाय जब तक चाय नहीं पीते जब तक मजा दिन की शुरुआत नहीं हो पाती है। और क्या फेमस है? समोसे फेमस हैं। चाय के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो समोसा बहुत फेमस है यहाँ का। अगर आप कभी भी लखनऊ आते हैं तो ये एक ऐसी जगह है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिनको पता है गंज के आसपास के लोगों को, यहाँ पे काफ़ी भीड़ बनी रहती है। तो अगर आप आते हैं तो हलवासिया में ये नाजा के साइड से आप आइए और वहाँ पे ही आपको पता चला है केवल की चाय कौन सी है। तो अगर आप यहाँ आते हैं और चाय और समोसा खाते हैं तो इसका टेस्ट बताइए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो इसी के संग शॉर्ट वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और केवल वालों को थोड़ा फेमस करिए। चलिए इसी के संग सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चलते हैं।